साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो भाई लोग क्या हाल चाल है, होप सब बढ़िया। तो भाई लोग आ चुके हैं न्यू वीडियो के साथ और ये वाला मैच मैंने स्टार्ट किया था भाई सोलो वर्सेस सोलो की। और ये वाला मैच पे किसी ने मुझे कमेंट किया था कि भाई सोलो पे जाकर देख तब पता चलेगा तू प्रो है या नहीं है। तो देखते ये वाला मैच पे हम चिकन डिनर निकाल पाते या नहीं पाते। फिलहाल यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखता है जिसको मैं हल्का सा मारने की कोशिश करता हूँ और तभी मेरे को पता चलता है मेरे पास 3x भी है तो मैं यहाँ पे एक्सचेंज कर लेता हूँ। एंड वो बंदा तो मेरे को देखता नहीं है। एंड लेफ्ट पे देखो तो रोड के ऊपर एक बंदा मेरे को हल्का सा दिखता है यहाँ पे। तो इसको मैं 2-1 शॉट मारने की कोशिश करता हूँ एंड तभी यहाँ से एक बाइक आ रहा था और मैं जंप कर देता हूँ ताकि बाइक जो आएगा आगे से मैं उसको घेरूंगा और उसको मारने की कोशिश करूँगा और बाइक वाला यहाँ पे आके एक्सीडेंट कर देता है। इसको मैं हल्का सा डैमेज कर दिया था। अब बारी था जाके रश करने की लेकिन मुझे नहीं पता ये बंदा कितना शाना है लेकिन वो सामने पेड़ के पास आके रुक जाता है। मैं भी यहाँ पे छुप छुप के आने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे आके रुका। मैंने देखने की कोशिश किया कि मेरे पास एक भी नेड नहीं था तो मैं सोचा चलो थोड़ा बहुत रिक्स लेते हैं एंड ओपन से मैं भाग सकता हूँ, वो बंदा मेरे को मार सकता है यहाँ पे पिक लेके, लेकिन वो हेल्थ लगाने के लिए बिजी हो गया था शायद। और गाइस फाइनली इसको मैंने यहाँ पे फोड़ दिया। तो बाकी यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत देखने की कोशिश किया था, आसपास एक भी बंदा मेरे को दिखता नहीं, मतलब उधर तो मैं गया नहीं है और वहाँ पे एक बंदा भी था। ओके तो मैं गया था, एक बॉट था जिसको मैं मार के आ जाता हूँ ये वाली जगह पे। एंड यहाँ पे एक बगी आया था, मैं पीछे देखा और तभी वो बगी वाला सामने किसी को मारा, उसके पास एस्ट्रल के था और वो सामने ये वाले घर पे था। तो मैंने सोचा मेरे पास एक नेट था जो मैं करने की ट्राई करता हूँ यहाँ पे और देखो वो बंदा सीढ़ी पे बैठा था शायद। और गाइस ये जो नेट था ना बहुत ही प्यारा नेट था, तो इस नेट से एक तो किल मुझे मिल जाता है। सो होप तुम लोगों को ये नेट अगर बढ़िया लगा तो एक लाइक तो बनता है। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो बंदा कहाँ पे बैठा था, वो एग्जैक्ट सीढ़ी पे ये वाली जगह पे बैठा था और यहीं पे उसकी पेटी बन चुका है। फिलहाल वहाँ पे मैं लूट बूट करके उसकी बगी लेके आ जाता हूँ ये वाली जगह पे। और ये साथ इधर की साइड से कुछ गन की साउंड भी आ रहा था, सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। अब लोकेशन गाड़ी मुझे दिख चुका था, सामने एक गाड़ी था और आसपास बंदा था या नहीं था मेरे को तो नहीं पता था लेकिन गन के साउंड आ रहा था, बट मैं एग्जैक्ट लोकेशन उसकी पता नहीं कर पाता हूँ। मेरे को लेफ्ट की साइड से दिखता है और राइट की साइड से और ये बंदा अचानक आ जाता है। भाई इस बंदे ने एक भी फुट स्टेप नहीं दिया था और ये बंदा आता है तो बहुत ही मतलब शॉकिंग तरह से। सो यहाँ पे लूट बूट करते मेरे ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे स्प्रे आता है, अपनी हेल्थ ठीक कर लेते और बाहर निकल के देखते ही वो बंदा मुझे दिख जाता है और इसका भी पेटी मैंने यहाँ पे बना देता हूँ। सबसे पहले तो थोड़ा बहुत लूट पुट करना था मेरे को तो यहाँ पे मैं लूट पुट कर लेता हूँ और यहाँ से निकल लेते हैं। सामने मुझे हल्का सा एक बंदा दिखता है, आई होप आप लोगों को दिखा या नहीं दिखा मेरे को नहीं पता, लेकिन वो जो पेड़ देख रहे हो दो पेड़ के बीच पे यहाँ पे एक बंदा मेरे को दिखता है हल्का सा। मैं इसको ओपन करके देखता हूँ लेकिन एक भी बंदा मेरे को दिखता नहीं है और ये बहुत यहाँ से आ जाता है। तो इसको मैं यहाँ पे सबसे पहले तो पेलता हूँ एंड इसको पेलने के बाद ही मैं यहाँ पे उस बंदे को देखा, मैं कंफर्म था। और देखो और यही देख के कभी कभी बहुत लोग ऐसे नीचे कमेंट करते हैं कि भाई ऑटो MSS है क्या, मतलब जब भी मैं बुलेट मारता हूँ तो एग्जैक्ट उस बंदे को लगता है क्योंकि मेरी जो MSS है यहाँ पे देख सकते हो रेड, वो हमेशा उस बंदे की तरह पे रहता है और जहाँ पे बंदा दिखता है इसको ओपन करके मैं उसको फोड़ने लगता हूँ। तो ये बंदा वो भी मुझे यहाँ पे दिख चुका था, इसको मैं बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे दिया था और बंदा जस्ट डब्बे के पीछे यहाँ पे हेल्थ लगा रहा था और अपने के पास एस्ट्रल की भी थी तो इसका पेट भी बनने वाला है। थोड़ा बहुत लूट बूट करते ही बाहर एक ड्रॉप पड़ी थी, मैंने सोचा AWM उठाएंगे बट बाहर आते ही मेरे ऊपर बहुत ही गंदे वाला स्प्रे आता है यहाँ पे। मैं जंप करके इधर आ जाता हूँ, सबसे पहले तो अपने हेल्थ चेक कर लेते क्योंकि यहाँ पे बंदे थे वो काफ़ी दूर से मेरे को स्प्रे दिया था और यहाँ पे हेल्थ लगा दे मेरे को एक फुट स्टेप आता है हल्का सा और यहाँ पे एक बंदा आ चुका था छुप छुप के और बंदा यहाँ पे बैठ के एम कर रहा था तेज पर, इसको मैंने यहाँ पे बहुत इजीली फोड़ दिया। तो गैस अभी भी 5 बंदा लाइव है तो देखते हैं हमें चिकन डिनर मिलता है या नहीं मिलता। तो गैस चिकन डिनर अगर मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पे मैं छुप छुप के आ जाता हूँ और इस साइड से जो बंदा मेरे को स्प्रे दिया था उसको देखने की ट्राई करता हूँ लेकिन वो बंदा मेरे को हल्का भी दिखता है नहीं। यहाँ पे सामने एक गाड़ी दिखता है, मेरी तो फट चुकी थी क्योंकि उस साइड पर अगर बंदा होगा तो मेरे को मार सकता था लेकिन उस साइड जोन नहीं था, मैं सर्कल के अंदर था
तो 90% चांस नहीं था उस साइड बंदे होने की। सो बंदे जो था वो साइड सामने की साइड ही था। सो दैट मीन यहाँ पे भागे भागे आ रहा था, तभी मेरे को दिखते यहाँ पर तीन बंदा, एक को तो मैं मार दूँ तो एक बंदा और एक बंदे को मार देता, और ये बंदा यहाँ पे जिंदा निकल जाता है। और घूमते घूमते मैं उसी जगह पे आ जाता हूँ और यहीं पे एंड होने वाला है गेम। तो देखना इसको कैसे पहलते हैं। सबसे पहले तो वो बंदा वॉल के पीछे जस्ट हेल्प कर रहा था, तो यहाँ पे आ जाओ तो मेरे को हल्का सा दिखता है बंदा, लेकिन वो घर के अंदर जा चुका था। और अपने के पास भी एस्टोल के हैं तो डरने की कोई बात नहीं भाई, पेल देंगे। क्योंकि देखो काफ़ी दिनों से ना ऐसे एस्टोल के लेके बंदा पेल देता है। मैं नीचे उसको देखने की कोशिश करता हूँ लेकिन बंदा जो है वो नीचे नहीं था, ऊपर था। तो देखो इसको कैसे पहलते हैं। तो इसको पहलते ही मैंने देखा तो अवेलेबिलिटी एक ही बंदा था, तो यहाँ पे अपने हेल्थ के रहते। और बंदे को मैं यहाँ पे फ्लैश करके मारने की कोशिश कर रहा था और वो बंदा सामने से आएगा। देखो मैं यहाँ पे बैठा था काफ़ी देर, ढूंढा बंदे को, मैंने देख लिया था ऑलरेडी, जिस घर में मैं मर के आया था वो आ रहा था। मैंने सोचा फ्लैश करेंगे एंड उसके बाद जाके पैन से इसको मारेंगे, लेकिन एक भी फ्लैश आई होप उसको नहीं लगा है। और वो बंदा मेरे को यहाँ पे देख लेता है, और गैस हमें चिकन एना मिल जाता है। तो गैस यहीं था गेम प्ले, आई होप तुम लोगों को बढ़िया लगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना।